भैया मैं 3 दिन से लाहौर में घूम रहा हूँ। अच्छा, कहीं का भी मुझे काम नहीं पसंद आया। आपका काम देखा है, ठीक है। मुझे 23 मॉडल चाहिए। 23 मॉडल जैसे वो खड़ी है, जैसे वो खड़ी है। तो एट द एंड जब ये गाड़ी तैयार होगी ना, तो आप खुद कहेंगे कि यार अली भाई मजा आ गया काम देख। लेकिन आप लोगों की गाड़ियाँ करके दे रहे हैं, मेरी चाहे ओरिजिनल है, मुझे नंबर वही चाहिए ना गाड़ी का। हाँ जी, मेरे घर का नंबर भी वही है, मेरी गाड़ी का नंबर भी वही है। मैं अपनी गाड़ी से बिल्कुल मुतमइन हूँ, मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि मैं उसको तबाह कर दिया उसे, लेकिन एक मजे की हो जाए। चले जी, इंशाल्लाह अच्छी हो जाएगी। और कल के ब्लॉग के अंदर अगर आप लोगों ने मेरा ब्लॉग नहीं देखा तो उसके अंदर बेसिकली गाड़ियां जब रिसीव हो रही होती हैं तो मैं एक छोटा सा ब्लॉग डाल देता हूं, तो अली बिन यास को लाजमी फॉलो करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। तो आज ये गाड़ी जो है, ये बुलदेव साहब हमारे साथ मौजूद है और इनकी गाड़ी है। बेसिकली ये दो भाई हैं और दोनों भाइयों ने प्लान किया कि हम एक गाड़ी को जो है वो रिस्टोर करें कम्प्लीट LC 300 के अंदर। सो फाइनली आज सुबह सुबह गुलदेव साहब हमारे पास आ गए हैं और इनकी रिक्वायरमेंट है कि गाड़ी को पूरा जो है वो LC 300 2023 मॉडल यानी कि कन्वर्ट किया जाए। गाड़ी ब्लू कलर के अंदर है, अभी रिसेंटली परचेज की है जी, अभी परचेज किया ना जी, अभी की है। क्या परचेजिंग आ गई होगी, कितने की बीजी होगी? बस छोड़े आप, कितने भी आ गई है। चले खैर, गाड़ी इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छी परचेजिंग कर ली है और अब जो है इनका प्लान है कि पूरा इस पे जितना हो सकता है ना इसके ऊपर पैसे लगे, लेकिन गाड़ी एट द एंड रिजल्ट जो है वो 2023 मॉडल जो है वो देखने को मिले। तो गुलदेव साहब आप मुझे बताएं कि क्या क्या चीजें अब आप चाह रहे हैं इसके अंदर और क्या क्या होना चाहिए। भैया मैं 3 दिन से लाहौर में घूम रहा हूँ। अच्छा, कहीं का भी मुझे काम नहीं पसंद आया। अच्छा जी, ठीक तो है। आप मेरे पास तो आ जा रहे हैं, 3 दिन पहले कहाँ थे? आपके पास आज आए हैं। अच्छा, ठीक है। आपका काम देखा है, ठीक है। मुझे 23 मॉडल चाहिए। 23 मॉडल जैसे वो खड़ी है, जैसे वो खड़ी है। अच्छा, अंदर से बाहर से 23 मॉडल चाहिए मुझे। तो ये तो इतना पुराना मॉडल है, इसको हम कैसे करेंगे 23 मॉडल? जी देख लो, जैसे वो किया वैसे इसको भी करना है। नहीं, इंशाल्लाह जरूर कर देंगे। आप हमारे पास आए हैं, बाकी सारों का काम देख के आए हैं, तो मेरे ख्याल से अब आपको पता होगा कि काम की क्वालिटी में कितना डिफरेंस है। जी बिल्कुल, यहाँ भी पीछे भी देखें इतनी गाड़ियाँ खड़ी हुई है, इधर भी गाड़ी खड़ी हुई है। जी तो एट द एंड जब ये गाड़ी तैयार होगी ना, तो आप खुद कहेंगे कि यार अली भाई मजा आ गया काम देख। जी बिल्कुल। अब आप क्या चाह रहे हैं, बाहर बाहर से सिर्फ तैयार करनी है या अंदर से भी तैयार करनी है? बाहर से भी करनी है और अंदर से भी करनी। अंदर से कुछ चीजें दिखा रहे थे आप, मुझसे पूछ रहे थे ये भी अली भी चेंज करना है, ये भी दोबारा बताएं मुझे जरा क्या चाह रहे थे आप? मैंने भाईजान मुकम्मल तैयार करवानी है 23 मॉडल में। अच्छा, ठीक है। ये डैशबोर्ड, LCD, गियर बॉक्स, ठीक है, ठीक है, सीटें वगैरह मुकम्मल, जो ये हैंडल दरवाजों के मुकम्मल मुझे 23 मॉडल में चाहिए। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया यार, सारा कुछ 23 मॉडल का कैसे बनाएंगे? बस आपका काम है, आप बना लेंगे। अच्छा, ठीक है। मुझे दरवाजे हर शायद 23 मॉडल की चाहिए। मेरे ख्याल से उस पर पैसे ज्यादा लग जाएंगे, सिर्फ बाहर बाहर से तैयार करवा लें। मुश्किल नहीं, पैसों की बात नहीं, जमीना बेचा है। ठीक है, जमीना बेच भी दिया जा रही है जी, अपना अल्हम्दुलिल्लाह काम है। अच्छा, यानी कि अब 23 मॉडल आपने यहाँ से लेके जानी है? जी 23 मॉडल मैंने लेके जानी है। गाड़ी फ्रंट से बाहर से भी बहुत खूबसूरत गाड़ी है यार, इस्लामाबाद नंबर है। और वैसे कलर ब्लू, कलर आपने ब्लू ही रखना है दोबारा? कलर व्हाइट करवाएंगे। व्हाइट करवाएंगे या ब्लैक करवाएंगे? व्हाइट करवाएंगे। व्हाइट करवाएंगे जी, ठीक है, कलर आपको व्हाइट कर देंगे। साथ में फ्रंट से इसकी तकरीबन सारी चीजें ना दोबारा चेंज हो जाएंगी, जितनी भी आपके पार्ट्स लगे हैं ना, ये बोनट, फेंडर, इसकी हेडलैम्प, फ्रंट बम्पर, ग्रिल वगैरह, इवन के सिर्फ आपके पिलर वगैरह आपके वही रहेंगे, लेकिन इसको भी हम इसी तरह डिजाइन कर देंगे कि आपको दोबारा फील नहीं होगा कि यार ये मॉडल जो है ये पुराना मॉडल है जो आप हमारे पास लेके आए थे। इसके दरवाजे, डोर हैंडल्स, दरवाजे यही रहेंगे, लेकिन हम इसको ना मोल्ड कर देंगे, डेंटिंग कर देंगे,
कर देंगे इस तरह से कि आपको दोबारा पता चलेगा कि यार हमने नए दरवाजे डाल दिए। ये साइड पैनल वगैरह, ये जो पुराने आपको जितनी चीजें नजर आ रही है ना, रूफ रॉड इसको नहीं लगे हुए, ये एयर प्रेस वगैरह, साइड मिरर, ये सारी चीजें आपकी नई लग जाएंगी। क्वार्टर फेंडर भी वो आगे गाड़ी पे मैं दिखाता हूँ, क्वार्टर फेंडर भी उसी तरह बिल्कुल सेम डिजाइन के अंदर जो है ना आपको क्वार्टर फेंडर इंस्टॉल करके देंगे। आपको पता चलेगा कि यार आपने 23 मॉडल तैयार की है, ठीक है। बैक से भी इसका अपर लोअर ट्रंक, ऊपर वाली डिग्गी, नीचे वाली डिग्गी, इसकी बैक लाइट, इसका बैक बम्पर, ये सारी चीजें आपको चेंज करके देंगे। और दोबारा जब आप गाड़ी अपने, कहाँ से हैं आप? मैं सियालकोट से। सियालकोट से जब दोबारा गाड़ी सियालकोट जाएगी ना, तो सियालकोट ही वाकई कहेंगे कि यार बंदा 12 करोड़ की गड्डी ले आया है। जी बिल्कुल। ये देखें जी, इसमें मुझे बताएं अब आप क्या चाह रहे थे कि क्या चेंज हो इसके साथ होनी चाहिए? ये तो 21 मॉडल का ना, ये तो वो तो 23 मिल जाएगा आपको। आप मुझे ये हैंडल वगैरह दिखा रहे थे, ठीक है वो ही है, वही है ना हैंडल? हाँ, जी ये हैंडल और ये छत की जो पिलर जो है ना, ये चेंज नहीं होते, ठीक है, लेकिन ये भी आपको चेंज कर देंगे। अच्छा, दूसरा आप कह रहे थे अंदर से मैंने आपकी गाड़ी पूरी ना ब्लैक ही रखनी है, व्हाइट से आप बेशक व्हाइट कर दें, अंदर से पूरी ब्लैक रखनी है, क्योंकि फिर अगर क्योंकि आपकी गाड़ी अंदर से ग्रे है और अगर उसको बेज करते हैं तो फिर पूरा सामान चेंज करना पड़ेगा हमें, ठीक है। अगर ब्लैक रखते ब्लैक ही होंगी सीटें भी, ब्लैक बड़ी खूबसूरत इंटीरियर है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ब्लैक कलर में एक दो गाड़ियां हमने की हैं, उसकी अलहदा सी ग्रे उठ के सामने आती है, क्योंकि ग्रे कलर के अंदर जो जितनी भी गाड़ियां हैं ना, उसे हम ब्लैक ही तैयार करते हैं। ठीक हो गया, ठीक है। वैसे गाड़ी शाहजेद साहब की बड़ी प्यारी गाड़ी है यार, नो डाउट, डीजल इंजन के साथ है। मॉडल कौन सा है? 99 का मॉडल है। और आप बिलीव करें, इस गाड़ी को जब मैंने रात मेरे पास आई थी तो ड्राइव ली थी ना इसकी, तो ऐसा लग रहा था जिस तरह पेट्रोल का जो है वो रेस के ऊपर पैर दें और हमें फीडबैक मिलते हैं ना वापस, तो इसी तरह फीडबैक मुझे जो है ना इसका भी मिल रहा था कि गाड़ी नीचे से निकल रही थी। और बिलीव करें गाड़ी इतनी प्यारी है, टोटल जेन्युइन है, ब्लू कलर है, आउट ऑफ मार्केट कलर है, लेकिन इनकी इनकी परचेजिंग बड़ी अच्छी हो गई थी। ये भी सर हमारे फैन है। अच्छा जी, चलें ठीक है, ठीक आएंगे सर, आप आएंगे। तो ये भी अभी रिसेंटली प्राडो लेके आए हैं और इनका भी इरादा है कि प्राडो चेंज करवाएं। तो ये गाड़ी पूरा प्रोजेक्ट जो है वो ब्लू से वाइट होना है और नो डाउट गाड़ी टोटल जेन्युइन है और इंशाल्लाह ताला यही 45 दिन के अंदर आप देखेंगे कि शाहजेद साहब जो है वो LC 300 जो है प्रोजेक्ट हमसे लेके जा रहे होंगे, ठीक है सर? सर इंशाल्लाह आप वेट करें, आपको इंशाल्लाह कोटेशन देते हैं और देन आपसे आप कहेंगे इससे ठीक है। अच्छा, एक तो मैं आपसे डिस्कस करके गया था, मेरी जो प्राडो है 2003 मॉडल की है। अच्छा, उसको अपडेट करना है, आपने उस वक्त मुझे वापस भिजवा दिया था कि ये वाली गाड़ी नहीं होगी, लेकिन आपने उसके बाद इतने भी लॉग्स बनाए हैं, इतने लोगों की गाड़ियां तैयार की हैं। आप इंटीरियर करवाना जा रहे हैं? मैंने इंटीरियर एक्सटीरियर करना, आपने कहा जी आपकी गाड़ी जेन्युइन है, ओरिजिनल है, इसका कुछ नहीं करना, लेकिन आप लोगों की गाड़ियां करके दे रहे हैं। मेरी चाहे ओरिजिनल है, मुझे नंबर वही चाहिए ना गाड़ी का। हाँ जी, मेरे घर का नंबर भी वही है, मेरी गाड़ी का नंबर भी वही है। ठीक ठीक, मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि मेरी वही गाड़ी जो है वो बिल्कुल अपडेट हो जाए। लेकिन होंडा में ये छोटी सी गाड़ी है ना, ये मजा नहीं आता। और एक मैं अगर लश किस्म की अच्छी गाड़ी में बैठा हूँ, न्यू प्राडो, प्राडो इस टाइप की, वो इसका एक अपना ही मजा होगा। लेकिन उसमें ये था ना कि आपकी गाड़ी टोटल जेन्युइन थी, मैं इसलिए थोड़ा सा खिचा रहा था, मैं कहता था यार आपका नुकसान ना हो। मैं अब ये चाह रहा हूँ कि जो भी है, एक तो मेरी गाड़ी की सस्पेंशन, इंजन, उसकी हर चीज मैं उससे क्वाइट सेटिस्फाइड। अच्छा, मैं पूरा पाकिस्तान उस पर घूम चुका हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि अगर मेरी गाड़ी ठीक है तो अब उसका एक्सटीरियर और इंटीरियर चेंज होना है ना। हाँ जी, उसने चलने में तो कुछ नहीं करना है। देखिए, चलना तो इंजन सस्पेंशन नहीं है ना। हाँ, अगर आपकी इंजन सस्पेंशन वीक है या 100 out of 60 या 65 है, तो वो आपको वो मजा नहीं आएगा जो आप एक 10x10 गाड़ी से ले सकते हैं। लेकिन मेरी, मैं अपनी गाड़ी से बिल्कुल मुतमइन हूँ। अच्छा, मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि मैं उसका तबाह कर दिया उसे। लेकिन एक मजे की हो जाए। चले जी, इंशाल्लाह अच्छी हो जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छी हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। इस बार मेरे ख्याल से इस पूरे मंथ के अंदर ना लोगों की ज्यादा डिमांड प्राडो के अंदर है। 3 प्राडो अंदर तैयार हो रही है और इस टाइम तकरीबन 2 प्राडो खड़ी है। ये प्राडो आपके पास खड़ी है? एक प्राडो अभी वो एयर की हवाएं सेट, एयर इनटेक की हवाएं सेट जो है होने के लिए गई हुई है। अली भाई, मैंने देखा आपके जितने मैंने वीलॉग्स देखे ना, उसके अंदर अपना एक साहब थे, अभी इसी जगह पे मैंने उनका देखा, उनको इंटरव्यू कर रहे थे, उन्होंने भी गाड़ी ली 8 million की, परहैप्स उन्होंने गाड़ी ली, और गाड़ी लेते ही आपके पास आगे अगले दिन उन्होंने कहा जी कि बस इस गाड़ी को अपडेट कर दें। अच्छा, जब वो बंदा लेके आ सकता है, मेरे पास ये गाड़ी कई सालों से है।
अच्छा जी, तो मैं अपनी दिल बंद चुका है अब मैं चाह रहा हूँ कि जी अब वो सारा कुछ हो गया हुआ है, अच्छा। अब गाड़ी को लेके उसको चलें, और मैंने अपना उसका ए पिलर भी, सिर्फ मैंने उसको ये उसका फ्रंट चेंज नहीं करना, इंटीरियर भी चेंज करना है, उसका ए पिलर तक चेंज करना, ताकि गाड़ी को कुछ दूर से जज भी ना कर सके। फ्रंट पिलर भी चेंज कर ये वाला जो पोर्शन है, अच्छा अच्छा, ये पोर्शन अगर बिल्कुल एक इस तरह चला जाए, इस पोर्शन में आपको फर्क नहीं होता ज्यादा, अगर हम ये वाला पोर्शन छेड़ते हैं ना तो गाड़ी बहुत ज्यादा जो है ना वो नहीं, गाड़ी किसी जगह से पकड़ी तो नहीं जा सकती कि जी को बंदा कहे कि नहीं ये यहाँ से फील हो रहा है, नहीं 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 पकड़ी जा सकती। उसमें ये है कि कॉस्टिंग फिर बढ़ जाएगी, लेकिन हम आपको जो है ना ये वाला क्वार्टर फेंडर यहाँ से डाल के देंगे, ये इसको चेंज कर देंगे, मेरे पास है भी टीजेड, और ये चेंज करना है कर्व जो है ना ये यहाँ से पता चलता है, उसमें ये पूरा कर्व आ जाता है, उसमें क्वार्टर फेंडर आपका पूरा आ जाता है, उसमें आपकी ट्रंक पूरा आ जाता है, उसमें आपका पिछले जितने इंटीरियर के जो है वो प्लास्टिक पार्ट्स प्लास्टिक पार्ट्स वो चेंज हो जाते हैं। अब इसमें भी डैशबोर्ड चेंज हो रहा है कंप्लीट, अच्छा ये कंप्लीट 2018 मॉडल के इसके अंदर डैशबोर्ड इंस्टॉल हो रहा है, बेहतरीन है। अच्छा इसमें कूल बॉक्स भी आ जाएगा, मेरी गाड़ी में कूल बॉक्स नहीं है। कूल बॉक्स आ जाएगा लेकिन वो आपके पैकेज के अंदर इंक्लूड नहीं है। नहीं वो पैकेज से हटके करेंगे ना हम लोग, क्योंकि एक आपका जो स्टैंडर्ड पैकेज है, एक वो चीज है जिसको कस्टमाइज करना कहते हैं, मैं कस्टमाइज करवाना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि जी जो हेडलाइट्स हैं ये भी कोई हल्की वाली ना हो, मेरे इस वक्त जो करंटली जो मैंने हेडलाइट्स इंस्टॉल की हुई है ना वो ऑटो एडजस्टर है, मेरे पास स्विच है वो एडजस्ट होती है उसकी हाइट। अच्छा मैं चाह रहा हूँ इसमें इस तरह की क्वालिटी की हेडलाइट हो कि जो उसको मैच करे, इसमें टेस्ला के अंदर भी मुख्तलिफ चीजें होती हैं, इस तरह की चीज हो जो मैच करे, क्योंकि मैंने रखनी है, मैंने बेचनी नहीं है। तो फिर ऐसा करते हैं ना, आप सारा सामान, क्योंकि बोनेट फेंडर वगैरह वो जीपीटी एक हाई ब्रांड है जिसके हम पार्ट्स यूज कर रहे हैं, हेडलैम्प्स भी उसी के यूज कर रहे हैं, ठीक है जी। अगर आपने उस जीपीटी के हेडलैम्प्स यूज करने हैं तो आप उसके यूज कर लें, अदरवाइज आप जो जेनवन हेडलैम्प जो आते हैं काबली जो हम जापान से मंगवाते हैं जेनवन गाड़ियों के लिए, मेरे लिए ज्यादा बेहतर आप वो लगवा लें। उसकी कॉस्टिंग में मेरे ख्याल से ये अगर है 75-80 तक मिलती है, वो हमें मिलती है 3,10,000-3,20,000 की तक। लेकिन जब जहाँ पे मैं मिलियंस में खर्चा कर रहा हूँ, कमो बेश 2-3 मिलियन की ब्रैकेट में वो जाती है गाड़ी, ऐसे ही है। तो जब 2-3 मिलियन की ब्रैकेट में जा रही है तो उसमें 1-2 लाख जो वो मसला नहीं करता, लेकिन जो एक चीज ओरिजिनल है जो कंपनी की है उसकी बीम और जो एक चाइना आफ्टर मार्केट है उसमें बहरहाल डिफरेंस तो बहुत फर्क है, लाइफ में फर्क है, लेकिन इस चीज ने चलने में कुछ नहीं करना, बॉनेट ने चलने में कुछ नहीं करना, बम्पर ने कुछ नहीं करना, काम है इसका, काम है इंजन का, काम है अंदर वायरिंग का, इंटीरियर का, वो चीजें आपसे सारी करवानी है। नहीं वो इंशाल्लाह आपको करके देंगे, मोस्टली लोग भी यही करते हैं, अक्सर लोग जो है ना उनकी डिमांड होती है कि यार हमें चीज जेन्युइन चाहिए, तो उनको मैं तब भी रिकमेंड करता हूँ कि आप सिर्फ हेडलैम्प्स और बैकलाइट्स जो है ना वो जेन्युइन लगवा लें, बाकी आपकी गाड़ी की हम आपको गारंटी देंगे। अब गाड़ी तो आपकी जेन्युइन है, मेरे ख्याल से आपको दिखा दिया जाए कि गाड़ी के साथ होता क्या है, उसकी हालत क्या होती है, तब आप मुझे फाइनल डिसीजन करवाना चाहते हैं। ये एक पुराने मॉडल की प्राडो है जो कि इस टाइम तकरीबन जो है वो फिनिशिंग के अंदर आई हुई है। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने दरवाजे जो हैं वो इनके अपने ही तैयार किए हैं, इसमें हमने दरवाजे चेंज नहीं किए, स्किन चेंज नहीं की। मोस्टली क्या होता है कस्टमर का जब हमें बजट देते हैं ना, हाँ जी 32 लाख के बजट के अंदर हम इसकी दरवाजों की स्किन भी जो है वो चेंज कर देते हैं, यानी कि उस पर फिर ये पुटीन वाला काम नहीं होता, ये नहीं होता, उसके ऊपर सिर्फ जो है यहाँ से सिर्फ जो फिटिंग हो रही होती है उसी को हम तैयार करके देते हैं, और क्वार्टर फेंडर जो है वो डेंटिंग कर देते हैं, ठीक है। बाकी साइड प्रोफाइल जो है मैं 1-2 पिक्चर्स आपको दिखाता हूँ, उसके अंदर दरवाजे जो है वो जेन्युइन दरवाजे बाइट से सीटें उतर के जो है ना पेस्ट ऑन हुई हुई है, और डोर हैंडल्स भी जो है उसके ऊपर एज इट इज डोर हैंडल्स जो है डाई उसके ऊपर आई हुई है। अरे भाई एक छोटी सी चीज जो कि नॉर्मली मैंने देखा कि कस्टमर्स की डिमांड है या नहीं है, यहाँ पे जो अगला मॉडल है उसमें रिक्वेस्ट सेंसर होता है, क्या हम इसमें काम करें या ना करें, लेकिन हमारा डोर हैंडल इस तरह का होगा जिसके ऊपर रिक्वेस्ट सेंसर का बटन हो, बटन तो हो जाएगा लेकिन एक्टिव करने के लिए हमें फिर आपकी कंप्यूटर को जो है ना बाईपास करना पड़ेगा, हम एक्टिव नहीं करते उसको, लेकिन अपेरेंटली कोई बंदा देख के जज नहीं कर सकेगा, क्योंकि डोर हैंडल से लोग सबसे पहले जज करते हैं कि ये क्या है, कोई इशू नहीं है आपको दे देंगे, वो काम ना करें, वो तो अक्सर गाड़ियों में हमने लगाए हैं, अक्सर गाड़ियों में कस्टमर की रिक्वायरमेंट ना होने के बावजूद भी लगा दिए, क्योंकि वो हमारे पास आते हैं, हमारी अवेलेबिलिटी होती है और वो हम इंस्टॉल कर देते हैं। अगर क्वार्टर फेंडर चेंज नहीं, ये चेंज नहीं है, अच्छा ये चेंज, क्योंकि वो देख रहे हैं अंदर से जो है ना सारा वो वही अल्ट्रेशन हुआ हुआ है, ठीक है ठीक है, वो सारा वहाँ से वही अल्ट्रेशन हुआ हुआ है, अगर हम चेंज करते हैं तो फिर हम यहाँ से कट कर देंगे पूरा, कस्टम में कोई इशू तो नहीं, नहीं 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 यहाँ से कट होता है इस जगह से, ठीक है जी, पीस पूरा बैक वाला पीस पूरा इंस्टॉल। छत का क्या बनेगा, छत वही रहेगी आपकी, अच्छा जो दूसरी गाड़ी है उसकी हाइट इससे 1 इंच कम है,
हम जिसमें कन्वर्ट करने जा रहे हैं। देखें उसमें मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि 94% जो मेजॉरिटी आवाम है ना वो नहीं जज कर सकती है मॉडल की। फिर उसकी जो कैबन स्पेस है उसमें 7 इंचेस उसका कैबन लंबा है, इससे हाँ जी हम उसको कैसे कवर करेंगे? उसको आप कर सकते हैं, यहाँ पीस डाल सकते हैं, पीछे पीस डाल सकते हैं। वो यहाँ से लंबी है? वो बेसिकली आपके दरवाजे थोड़े से बड़े हैं। अच्छा, उसके दरवाजे ओवरऑल बड़े हैं। आप उसके दरवाजे इसके अंदर एज इट इज इंस्टॉल नहीं कर सकते। अच्छा। आपके फ्रेमिंग में बड़ा फर्क आ जाता है। हमारी ये भी दरवाजे आप जब इंस्टॉल करते हैं ना तो हम आगे से पीस निकालते हैं, थोड़ा सा पीस पीछे से निकालते हैं, जो उसकी स्किन हम इसके ऊपर ओवरलैपिंग करते हैं, हाँ, उसमें दोनों साइड से वो थोड़ा थोड़ा स्किन निकालते हैं, स्किन निकाल के फिर वो इसके ऊपर आते हैं, फिर इसके ऊपर क्योंकि हमारी लेग स्पेस अकॉर्डिंग टू सीट्स वो तो ठीक है, हाँ जी बेहतरीन है। और जब इसमें डैशबोर्ड भी आप इंस्टॉल करते हैं ना तब भी आपकी थोड़ी सी लेग स्पेस कम होती है, लेकिन रूम काफी ज्यादा फाइन हो जाता है, काफी ज्यादा। अच्छा, लेग स्पेस कम्प्रोमाइज होती है, थोड़ी सी होती है। इस वक्त जो गाड़ी इस वक्त जिसमें लग चुका हुआ है हम उसको देख सकते हैं? अभी वो फाइनल नहीं हुआ, डस्ट काफी ज्यादा है क्योंकि बाहर उसके ऊपर स्टिल वर्किंग हो रही है। हाँ, आफ्टर वन डे या टू डे आप उसे विजिट कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये हो गया वीडियो के लिए, अब हम दूसरी बातें करेंगे। आज ही ऊपर चलें। आज